फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नथिंग इम्पॉसिबल पम्मी। मैं हूँ पम्मी, जो अपनी लाइफ का हर मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो मॉर्निंग में हमारी शुरुआत हो चुकी है कबाड़ा बीनने के साथ। इसके बाद आज मॉर्निंग से ही मौसम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही 6 बजे के आसपास ही हमारी बारिश शुरू हो गई। बल्कि रात, पूरी रात ही हमारे यहाँ बारिश हुई है। और जब उठे हैं तो देखा काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। ये देखिए हमारी बारिश कितनी तेज़ हो रही है, और ये 6 बजे के आसपास का टाइम है। आज एक्चुअली हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे रचित को आज स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है, बट जब तक रचित स्कूल जाता है तब तक हमारी जो बारिश है वो भी रुक चुकी थी। अभी देखिए फ़िलहाल ये बहुत तेज़ हो रही है। और इसके बाद हम आते हैं अंदर। अंदर देखते हैं तो हमारा जो कबाड़ के कुछ फ़ोन पड़े हुए थे, और ये फ़ोन एक्चुअली थे पापा के टाइम के, जब पापा थे उस टाइम पे हमारे कीपैड फ़ोन ज़्यादा चलते थे। तो ये वही कुछ फ़ोन पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, हमने निकाल के रखा था बट ध्यान नहीं रहा, तो बस उसको हमने कबाड़े में डाल दिया है कि अब नेक्स्ट टाइम जब हमारा कबाड़ बिकेगा तो उसको भी हम बेच देंगे। और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सफाई कार्यक्रम। और ये देखिए हमारी बारिश भी रुक चुकी है, और रचित बस अब थोड़ी देर पहले ही स्कूल जा चुका है। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, हमारा काम अभी तक चल रहा है, लेकिन मौसम हमारा काफ़ी साफ़ हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें। वैसे मम्मी बाहर झाड़ू लगा देती थी, लेकिन आज काफ़ी गीला था तो इसलिए मम्मी ने भी आज वहाँ छोड़ दिया है। और इसके बाद हम अपनी फिनाइल डाल के हमारा पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि इस समय जैसे कि बारिश हो रही है तो काफ़ी जर्म्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए कभी कभी हम लोग फिनाइल का या कभी नमक का भी पोछा लगा लेते हैं, काफ़ी सही रहता है इस तरह से। और इसके बाद उल्टे पाँव हम निकल लिए हैं अपने कमरे की तरफ। और सबसे पहले मैं अपने कमरे से ही पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे जो पोछे की बाल्टी है उसमें पोछा सही से निचुड़ता नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले मैं यहीं से लगाती हूँ। और यहाँ पर फिर दोबारा भी मुझे लगाना पड़ता है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो उसको भी वापस हम पोंछ देते हैं। तो इस तरह से रूम में हमारे 2 बार पोछा लग जाता है। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है हमारा हॉल, और यहीं से दिखाते हुए मैं बाहर भी चली जाऊँगी। और इसके बाद हम जा रहे हैं फिर नहाने। और आज संडे को मैंने बाल धोए थे, तो बालों में मैं लगा रही हूँ एलोवेरा, जो इसका पेड़ भी हमारे यहाँ आज लगा हुआ है, और जब हमें याद आ जाता है तो हम इसको लगा लेते हैं, और ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सिल्की हो जाते हैं इससे बाल। तो अभी मॉर्निंग का हो रहा है टाइम, और हम जा रहे हैं किचन में, और हम बनाने जा रहे हैं आज केले के चिप्स, क्योंकि हमने मंडे फास्ट के लिए लिए हुए थे केले, और वो बेकार हो रहा था अब क्योंकि हमारा फास्ट पड़ नहीं रहा है, तो फाइनली हम उसके चिप्स बना देंगे। और ये रचित को भी काफ़ी पसंद है इसलिए हम बना के उसे रख देंगे। और इसके अलावा हम बना रहे हैं हमारी मसालेदार पूड़ी, जिसमें हम अजवाइन डाल के बनाएंगे, और वो काफ़ी टेस्टी लगती है। चलिए हम चलते हैं फिर किचन में, हम दिखाते हैं हम क्या कैसे बनाते हैं इसको। और फाइनली 2 दिन बाद हमारा पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमारा जो अगला फास्ट पड़ेगा वो नेक्स्ट मंडे पड़ेगा, इस मंडे को भी हमारा फास्ट नहीं हो पाएगा। और ये जो आप केले देख रहे हैं ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे और काफ़ी ख़राब ना हो जाए, अभी तो फ़िलहाल ठीक है खाने लायक थे, लेकिन ये ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इसलिए हमने फाइनली इसके चिप्स बना दिए हैं। और ये रचित को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसको मैंने सिंपली ऐसे ही छील लिया है, इसको हल्का हल्का ही छीलेंगे। इसके छिलके को पूरा हटाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको बस हल्का हल्का ही, एक लेयर जैसे हम अपनी फली वगैरह छीलते हैं बस उस तरह से ही छीला जाएगा। और इसको हम जैसे फ्राई करेंगे एक एक केले को, और उसके हिसाब से ही इसको चिप्सर से हम काट लेंगे, क्योंकि अगर इसको काट के रखते हैं तो हमारे जो केले कटे हुए होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है जिसकी वजह से ये काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम जैसे जैसे फ्राई करेंगे वैसे वैसे ही इसको काटते जाएंगे। और ये देखिए हमारे जो केले हैं वो कट के तैयार हैं। इसके साथ ही हमने चढ़ा दी थी हमारी चाय, और सच बताऊँ तो हमारे यहाँ सबको 2 से 3 बार चाय ज़रूर चाहिए होती है, भले थोड़ी थोड़ी हो लेकिन चाय ज़रूर होनी चाहिए, वरना दिक्कत ये हो जाती है कि हमें होने लगता है हेडेक, अगर कभी हो जाए कि बाय चांस चाय मिस हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और आटा मैंने पहले ही मार लिया था, और सबसे पहली पूड़ी मैं बना रही हूँ गाय की। इसके बाद हम सबसे पहले फ्राई करेंगे, और इसके बाद हम सेकेंगे हमारी बची हुई सारी पूड़ियाँ। और ये आटा मेरा सेट हो गया, तो मैं इसकी लोई तोड़ रही थी, तो मम्मी भी बैठी हुई थी, तो मम्मी ने ये आटा ले लिया, कह रही इसकी लोई जब तक मैं तोड़ दूँगी।
तो मैं अपना अभी केले के चिप्स का ही काम करूँगी फिलहाल। सबसे पहले मैंने बनाई है अपनी गाय की पूड़ी। ये मैंने टोटल सिर्फ अभी दो ही केले के चिप्स काटे थे क्योंकि मैं दो दो करके ही फ्राई करूँगी। इस तरह से केले के चिप्स घर में बना के काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मार्केट से ज़्यादा घर के ही चिप्स अब अच्छे लगते हैं। और एक बार के मैंने डाल के फिर दो केले को काट लिया था। जब तक हमारे चिप्स जो हैं फ्राई हो गए तब तक मैंने केले के चिप्स को काट लिया था। और ये देखिए हमारे बिल्कुल फ्राई हो के एकदम पिंक कलर के आए हैं चिप्स, और जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और मैंने इसमें सिर्फ प्लेन अपना काला नमक ही डाला है। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं, बट हमें नॉर्मल अच्छे लगते हैं तो हमने फ़िलहाल उसी को ऐसे ही रखा है। और आप इस तरह से इसे कंटेनर में भर के भी रख सकते हैं ताकि बाद में आप इसे यूज़ करें। और ये काफ़ी दिन तक ख़राब भी नहीं होते हैं। और इसके बाद ये काम ख़त्म होने के बाद हमने हमारी बची हुई जो पूड़ियाँ थी उसको भी अपना फ्राई कर लिया है, सेक लिया है सारी। और जिस तरह से मैं केले के चिप्स को फ्राई कर रही थी उसके साथ ही मैं नमक भी डाल रही थी, वरना ये बाद में जो है वो सूखे सूखे से हो जाते। और ये देख ली फाइनल हमारा जो नाश्ता है वो बन के आ गया है। और हमारे पास पहले की थोड़ी सी सब्जी रखी थी तो हमने बस उसी के साथ ले लिया है। नमकीन पूरी है हमारी, करौंदी मिर्च है और हमारा चिप्स है। ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, एक कपूरदानी है जो कि मुझे इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने मंगाई थी। देखते हैं इसको हम खोलते हैं। बढ़िया ना, चलेगा ऑन है तो बंद हो जाएगी ना। हाँ तो बंद, अच्छा वो चल फुल लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, फिर बैठा दोनों लाइटें बंद है। और यहाँ पे बढ़िया लग रही है ना, ए, मेरे लिए भी बढ़िया। अब इसमें कपूर जब डालेंगे तब दिखाएंगे इसका कैसा है। फिलहाल देखने में बहुत सुंदर लग रही है। आपने लाइट मंगाई है ना, तो इसमें क्या डालूंगी? कपूर। कपूर क्या? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और सच बताऊँ ये कपूरदानी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। नाइट में हम इसे नाइट लैंप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कपूर नहीं जलाना चाहते तो हम नाइट लैंप भी यूज़ करें। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ देखिए हमारे मोहल्ले के चोर आ गए हैं अमरूद तोड़ने के लिए। और अमरूद मिलके सच में इन लोगों को इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊँ। कई बार तो ये होता है जब बाहर निकल के देखो तो पता चलता है एक दो लोग आसपास इसके रहते ही हैं पेड़ के आसपास। और ये हमारे गार्ड अंकल हैं, इन्हीं से डर के वो भाग रहा था कि कहीं अंकल डांट ना दें, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ मना नहीं करते, कोई भी नहीं मना करता है, जिसको जितना मन होता है उतना ले जाता है। बस सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि ये लोग इसके अमरूद के चक्कर में हमारा जो पेड़ है उसको भी तोड़ देते हैं, तब काफ़ी बुरा लगता है। रात में 12 बजे तक, रात में 12 बजे तक, हाँ नहीं तो रात में 12 बजे पापा नहीं परमिशन देंगे इसके, 12 बजे तक नहीं देंगे, नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे। ये काफ़ी टाइम हो जाता है ना, जैसे अगर बच्चों का होता है कि 8 बजे तक या 9 बजे तक कर लो, 12 बजे तक बहुत टाइम हो जाएगा ना। हाँ 12 बजे तक काफ़ी टाइम हो जाएगा ना, मुश्किल है। हम जाएंगे सारी टोली जाएगी,
जैसे पापा से बात करेंगे। ये टाइम बहुत है ना, 12 बजे हम लोग भी सो जाते हैं सब लोग, इसलिए। और इनमें से एक बच्चे का था बर्थडे, जो कि रचित को बुला रहा था और वो 12 बजे तक बोल रहे थे, तो जिसकी परमिशन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई पेरेंट्स देंगे। हालांकि बच्चे कह रहे थे कि पेरेंट्स से बात कर लेंगे, बट मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई देगा। और इसके बाद शाम को हमारे आ जाते हैं बताशे, जो कि भैया बैंक से लेके आए, और ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। और बताशे के लिए किसके मन में लालच नहीं आता, तो बस हमारा भी हो गया और हमारा खाना जो हो गया कैंसिल। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।